चतुरी चमार की कहानी ध्यान से सुन लो, कभी रणभूमि में हारना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो में ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है आपके लिए। आपके जीवन में ये बहुत अच्छी जानकारी अर्थात सीख दे करके जाएगी। ये कहानी मित्रों एक चतुरी चमार की है। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब किए हुए अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय बंधुओं, बहुत पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह जात का चमार था। वह व्यक्ति बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था और वह गरीब भी था। उसके घर में एक पत्नी थी और बच्चे भी थे। उसकी गुजर बसर भी सही तरीका से नहीं चल पा रही थी, बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन वह चतुरी चमार बुद्धिमान था और चालाक भी था, इसलिए गांव के लोग उसके लिए चतुरी चमार कह करके पुकारने लगे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सलाह मिलाई कि भाग्यवान, यहां रहते हुए गुजर बसर नहीं चल रही है। मैं बाहर जाता हूं, बाहर पैसे कमाता हूं, हो सकता है हमारी गुजर सही तरीका से होने लगे। पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप निसंकोच होकर के बाहर पैसा कमाने के लिए जाओ और मैं जो बच्चे हैं इनकी देखभाल अच्छे तरीका से करूंगी। दोस्तों, वही हुआ। अपनी पत्नी से इतना कहने के बाद में वह बाहर पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर में पैसा कमाने के लिए चला गया। कुछ दिनों तक उसने पैसा कमाया, नौकरी की काम किया, उसने 100 रुपए कमा रखे थे। दोस्तों, उस जमाने में वह 100 रुपए बहुत थे, उनकी कीमत बहुत थी। जब उसने 100 रुपए कमा लिए तब उसने सोचा, चलो अब घर चलते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को देखते हैं। ये विचार करने के बाद में वह अपने घर के लिए जब चला है, उसने विचार किया कि रास्ता में डाकू पड़ते हैं और डाकू हमको अवश्य लूट लेंगे। तो उसने अपनी बुद्धिमानी से 50 रुपए की एक घोड़ी खरीद ली और 50 रुपए जो बचे थे वही 50 रुपए उस घोड़ी के पूंछ में उसने बांध लिए और वे घोड़ी पर सवार होकर के अपने घर के लिए चल दिया। मित्रों, रास्ता में डाकू तो पड़ते ही थे। डाकुओं ने जैसे ही देखा उसे रोक लिया और कहा, अरे चतुरी चमार, रुक जा, तू पैसे कमा करके लाया है, तेरे पास पैसा है, जो भी लाया है वो सीधे चुपचाप यहां पे रख दे और नहीं तो तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वह चतुरी चमार घोड़ी से नीचे उतरा, जो डाकुओं का सरदार था उससे कहने लगा, अरे सरदार जी, मेरे पास क्या है, मैंने जो पैसे कमाए थे उन्हीं पैसों से यह घोड़ी खरीद ली है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। डाकुओं का सरदार कहने लगा, अरे बेवकूफ, तू पैसा कमाने के लिए गया था, पैसा नहीं लाया, ये घोड़ी क्यों खरीदी। तब वह चतुरी चमार कहने लगा, बुद्धिमान था चालाक भी था, उसने कहा, सरदार जी, ये घोड़ी मैंने इसलिए खरीदी है, इस घोड़ी के अंदर करामात है कि इसकी पूंछ में यदि डंडा मारो तो ये 50 रुपए देती है। सरदार कहने लगा, वो कैसे, जरा ये 50 रुपए कैसे देती है, डंडा मार के दिखा। और उसने तो घोड़ी के पूंछ में वो 50 रुपए पहले ही बांध रखे थे। सरदार के सामने और डाकुओं के सामने जब उसने डंडा घोड़ी की पूंछ में मारा तो वो ही 50 रुपए जो थे खन खन करके नीचे गिर गए, उसने उठा ली। सरदार कहने लगा, तेरी बात तो सत्य है, तू घोड़ी तो बहुत अच्छी लाया है, ऐसा कर ये घोड़ी हमको दे दे। जवाब दिया, नहीं, ये घोड़ी आपको हम कैसे दे दें, ये रोजाना इसी तरीका से 50 रुपए देती है, हमें ये घोड़ी नहीं देंगे। सरदार कहने लगा, देख भाई, घोड़ी हमें दे दे। जवाब दिया, हम इसको 50 रुपए की खरीद करके लाए हैं। सरदार ने कहा, ठीक है, हम तुझे 100 रुपए देते हैं, ये 100 रुपए पकड़ और ये घोड़ी हमको दे दे। मित्रों, उसने 100 रुपए लिए और वह घोड़ी सरदार को दे करके अपने सीधे घर चला। और जब घर आया, अपनी पत्नी से सारी दास्तान सुनाई और कहा है कि वह डाकुओं का सरदार डाकुओं को लेकर के रात में जरूर आएगा और हम लोगों को मारेगा, पकड़ के ले जाएगा। पत्नी कहने लगी, फिर क्या करोगे महाराज,
जवाब दिया, तुम घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूं। दोस्तों वह जो चतुरी चमार था जंगल की तरफ गया, दो खरगोश पकड़ लाया और खरगोश पकड़ करके आया, एक खरगोश अपनी पत्नी को दिया और कहा है कि जब रात्रि हो जाएगी तो मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, एक खरगोश आप रखिए और एक मैं लेकर के जाता हूं और वह डाकुओं का सरदार जरूर आएगा और जब वह हमारे लिए बूझे कि वो कहां है तब तुम खरगोश को छोड़ देना और कह देना आप बैठिए, ये खरगोश अभी बुला करके लाता है और मैं जो ये खरगोश लेकर के जाता हूं ये खरगोश लेकर के आ जाऊंगा, यही रास्ता है बचने का। दोस्तों वही हुआ। इधर क्या हुआ, वह डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर के अपने घर पर पहुंचा है, अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगला दिन जब हुआ तब उसने घोड़ी के पूंछ में डंडा मारा, लेकिन वह कहां से 50 रुपए देने वाली थी। उसने घोड़ी के पीछे भी डंडा मारा, पूंछ में भी मारा, लेकिन उसने पैसे नहीं दे पाए। दूसरे डाकू के घर में गई, वहां भी यही हालत उसकी की गई, उसने भी उसके डंडा मारे। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ग्रहों में डाकू थे सबके घर पर गई और घोड़ी की हालत बिल्कुल खराब हो गई। परिणाम यहां तक हुआ कि वह घोड़ी जो थी मर गई। अब इधर डाकुओं का सरदार गुस्सा में आ गया, क्रोध में आकर के सभी अपने साथियों से कहा कि चलो आज चतुरी चमार के घर पे चले, उसे पकड़ करके लाएंगे रात्रि में और उसे मारेंगे, उससे पैसे वसूलेंगे। दोस्तों इधर जब रात्रि होती है और शाम होती है तो वह चतुरी चमार जो था एक खरगोश को लेकर के अपने घर से बाहर चला जाता है। इधर जब सारे गांव वाले सो जाते हैं तब वह डाकुओं का सरदार अपने साथियों को लेकर के और चतुरी चमार के घर पर आ जाता है, दरवाजा खटखटाता है, तब अंदर से उसकी पत्नी निकल करके आती है। वह डाकुओं का सरदार कहता है कहां है तेरा पति, तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ब्याज सहित पैसे उससे वसूलेंगे, उससे पैसे तो लेंगे लेकिन उसे सजा भी देंगे। मित्रों तब वह चतुरी चमार की पत्नी कहने लगी साहब आप थोड़ी देर बैठिए, मैं इस खरगोश को भेज रही हूं और ये खरगोश अभी तुरंत बुला करके लाएगा, हमारे पति खेतों की तरफ गए हुए हैं। दोस्तों वह डाकू का सरदार उसके घर पे बैठ गया और उसने अपने पति के बताने के अनुसार वह खरगोश छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में दूसरा खरगोश जो था चतुरी चमार के हाथ में उसको लेकर के और घूमता हुआ वह अपने घर पर आया। सरदार जो क्रोध में आया था वो अपना तो क्रोध भूल गया और कहने लगा अरे चतुरी चमार भाई ये तेरा कैसा खरगोश है, ये खरगोश जाकर के तुझको बुला लाया। जवाब दिया हाँ ये खरगोश ने ही जाकर के सारी बात बताई है और आपके बारे में समझाया है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी चला आया, ये खरगोश हमारे बहुत काम का है, हम बहुत दूर से लाए हैं। दोस्तों अब वह सरदार कहने लगा ठीक है मैं तुझे मारने के लिए आया था और तुझसे पैसे भी वसूलने के लिए आया था, लेकिन चल ये बातें छोड़, अब ऐसा कर ये खरगोश हमको दे दे। जवाब दिया नहीं ये खरगोश हम कैसे दे दें, ये हमारी बहुत मदद करता है, हम जब कहीं बाहर जाते हैं कहीं कितनी भी दूर जाएं और जब हमारी पत्नी को हमारी आवश्यकता होती है तो इसी खरगोश के माध्यम से वो हमको घर में बुला लेते, इसलिए हम नहीं देंगे। सरदार कहने लगा नहीं भाई ये खरगोश तो हम लेकर के जाएंगे, ये 100 रुपए पकड़ और ये खरगोश हमको दे दे। मित्रों 100 रुपए उस चतुरी चमार को दिए हैं और खरगोश को लेकर के भाई सरदार अपने घर पे पहुंचता है। इधर अजमाइश करने के लिए उस खरगोश की जब रात्रि होती है उसकी पत्नी खाना बनाती है तो वह खरगोश को वहीं पर छोड़ जाती है और कहती है कि हम अपने दोस्तों के पास में जा रहे हैं, जब खाना तैयार हो जाए तब इस खरगोश को हमारे पास भेज देना, हमें बुलवा लेना। इतना कहने के बाद में वह सरदार तो अपने दोस्तों की तरफ निकल गया। इधर पत्नी ने जब खाना तैयार कर लिया फिर खरगोश को छोड़ दिया और कहा कि जाओ सरदार को बुला लाओ। दोस्तों वह खरगोश कहां सरदार को बुलाने वाला था, उसकी जान बची और वह छुटते ही सीधे जंगल की ओर भाग गया। बहुत देर तक इंतजार करता रहा वह सरदार, धीरे धीरे 12 बज गए लेकिन वह खरगोश नहीं गया। क्रोध में आकर के घर पे पहुंचा है और अपनी पत्नी से डांट लगाई, क्योरी तूने उस खरगोश को नहीं भेजा। जवाब दिया हमने तो खरगोश को 1 घंटे के बाद में भेज दिया था जब खाना तैयार हो गया, लेकिन ये खरगोश आपके पास नहीं पहुंचा। सरदार कहने लगा इसका मतलब है खरगोश भाग गया, फिर हमारे साथ में उस चतुरी चमार ने धोखा किया है। अब तो सरदार बहुत ही क्रोधा अग्नि में जलने लगा और कहने लगा अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
इधर दोस्तों, जब दूसरी रात्रि होती है तो मैं सरदार अपने साथियों को लेकर और पहुंच जाता है। इधर दोस्तों, मैं चतरी चमार अपनी पत्नी से कहने लगा, कल सरदार जरूर आएगा, वो मानेगा नहीं। और उसने समझा लिया कि हम तेरे लिए मारेंगे, ये कुल्हाड़ी से मारेंगे, और लाल रंग का पानी बना करके उसके मुंह में भरवा दिया और कहा कि जब हम मारें तो ये पानी तू मुंह से निकाल देना, जिसको वह सरदार रात्रि में खून समझेगा, और तू थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लेना। वही हुआ। सरदार जब दूसरी रात्रि होती है अपने साथियों को लेकर जब चतुरी चमार के घर पे पहुंचा है और कहा है, अरे चतुरी चमार, तूने हमारे साथ फिर धोखा किया है, आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, आज तुझे पकड़ करके जंगल में ले जाएंगे और तुझे मारेंगे, तुझसे पैसा भी वसूलेंगे। दोस्तों, वह चतुरी चमार जो था उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी उठाई और कहने लगा, सुनिए महाराज, सुनिए सरदार साहब, आप जब हमको पकड़ करके ले जाएंगे, मारेंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे, अब हम अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद में आप हमको ले चलना। दोस्तों क्या हुआ, उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के सर पे मारी, और जो उसके मुंह में रंग भरा हुआ था उसने उड़ेल दिया, और जिसको सरदार ने उसे खून समझा, सरदार घबरा गया। सरदार कहने लगा, अरे चतुरी चमार, तूने ऐसा क्यों किया, ये क्या किया जो तूने अपनी पत्नी को मार दिया। जवाब दिया सरदार साहब, रुकिए, मैं इसको जिंदा भी कर लेता हूं। इधर क्या हुआ, घर के अंदर गया, एक सारंगी को उठा करके लाया और उसी सारंगी को बजाते हुए उसके सर से पांव तक घुमाया। थोड़ी देर के बाद में उसकी पत्नी उठ करके खड़ी हो गई। सरदार कहने लगा, ये क्या है, ये सारंगी से कैसे जिंदा हो गई। जवाब दिया, सुनिए सरदार साहब, ये सारंगी हम बहुत दूर से लाए हैं, इस सारंगी के अंदर ये करामात है, अगर आपकी पत्नी मारने से कहीं खत्म हो जाए तो ये सारंगी बजाने से जिंदा हो जाती है। सरदार उस सारंगी पर मोहित हो गया। सरदार अपना पहले वाला क्रोध भूल गया और कहने लगा, देख भाई, ये सारंगी मुझको दे दे। चतरी चमार ने मना किया। फिर सरदार ने 100 रुपए और निकाले और कहा कि भाई ले, ये 100 रुपए पकड़, ये सारंगी हमको दे दे। दोस्तों, सारंगी को लेकर के वह सरदार जो था अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है, कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मार देता है। अब सारंगी को बजाता है और पूरे शरीर पर घुमाता है, लेकिन वह कहां जीवित होने वाली थी, वो तो मर चुकी थी। दोस्तों, दूसरे साथी ने ले जाकर के अजमाइश की है, अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया, उसकी गर्दन को काट दिया और सारंगी बजा करके जीवित करना चाहा, लेकिन वो भी जिंदा नहीं हो पाई। कहने का मतलब है, उसके जितने भी साथी थे सबने ये प्रैक्टिकल किया, लेकिन सबकी पत्नियां, सबकी स्त्रियां मारी गईं, कोई भी जिंदा नहीं रही। इधर सरदार ने देखा और सब साथियों ने देखा कि हमारी सबकी स्त्रियां खत्म हो गई है, इतना लंबा धोखा उस चतुरी चमार ने किया है, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे खत्म कर देंगे, उसका नाम और निशान मिटा देंगे। दोस्त, दूसरा दिन जब हुआ, रात्रि होती है, सरदार क्रोध में अपने साथियों को लेकर के पहुंच जाता है चतुरी चमार के घर पे, और वहीं चतुरी चमार को पकड़ लेता है और एक बोरी में उसको बंद कर लेता है, उसको कस लेता है और कहता है कि चल, तुझे दूर नदी में डालेंगे, जो तू धीरे धीरे डूब डूब करके तेरे प्राण निकलेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि धोखे का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, पत्नी रोती रही, मना करती रही, लेकिन वह सरदार नहीं माना। एक बोरी में कस करके, बंद करके, और वह सरदार और सरदार के साथ ही उसको लेकर के चल दिए। रात्रि का समय था, नदी दूर थी, चलते 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 सवेरा हो गया, और जब सवेरा हुआ एक मंदिर दिखाई दिया, उस मंदिर के पास में उस चतुरी चमार को रख दिया जो बोरी के अंदर बंद था, बंधा हुआ था। थोड़ी दूर नदी रह गई थी। इधर सरदार और सरदार के साथ ही सुबह का समय था, दिन निकल आया था, तो फ्रेश होने के लिए चले गए थे, कह गए थे थोड़ी देर बाद में इसको डालेंगे, तब तक फ्रेश हो आते। दोस्तों, इधर क्या हुआ, वह चतुरी चमार बंद बोरी में पड़ा हुआ था और एक ही शब्द कह रहा था, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। दोस्तों, वहां पर एक ग्वाला था अपनी भैंसों को लेकर के, वहां नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए जा रहा था। उसने आवाज सुनी बोरी के अंदर से कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। भाई बोरी के पास में पहुंचा और कहने लगा, भाई कौन है, इस बोरी के अंदर आप कैसे बंद हैं और आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, क्या बात है।
दोस्तों तब उस चतुरी चमार ने बोरी के अंदर से आवाज लगाई और कहा, भाई राजा और राजा के सैनिक थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के लिए गए हैं और वो जबरदस्ती अपनी राजकुमारी के साथ में मेरा विवाह करना चाहते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अब हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं? दोस्तों वे ग्वाला जो था उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा राजकुमारी के साथ में शादी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी किस्मत जाग रही है। तब उसने कहा, ऐसा कर भाई, अगर हम शादी कर लें तो तेरी जगह पर कैसा रहेगा? जवाब दिया, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों चतुरी चमार तो ये चाहता ही था। उसने कहा, बोरी खोल। उस ग्वाला ने बोरी खोली और उसे उसी बोरी में बंद कर दिया और उसके कपड़े पहन करके इधर दोस्तों वह जो चतरी चमार था उन भैंसों के साथ में आगे के लिए बढ़ गया उनको चराने, और इधर वह सरदार अपने साथियों को लेकर के आया, उस बोरी को उठाया जिसमें ग्वाला बंद था और ले जा करके उसे नदी में डाल दिया। और नदी में डाल करके जब वो आ रहे थे, इधर वही चतरी चमार भैंसों को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी पर जा रहा था। रास्ता में जब चतरी चमार को आता हुआ देखा तो उनके लिए पहले तो विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रहा हूं। उस चतुरी चमार को देख करके उनकी आंखें झिलमिला गई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आगे बढ़कर के पूछा, क्यों रे भाई, तुझे तो हम जल में डाल आए थे, नदी में फेंक दिया था, तू मरा नहीं, तू तो भैंसों के साथ में जा रहा है। तब वह चतुरी चमार कहने लगा, अरे भाई तुम लोग हमको नदी में डाल करके आए थे, तुम उथले जल में डाल करके आए थे, इसलिए हमको ये भैंस मिल पाई। अगर तुम गहरे जल में डाल करके आते तो मैं आज राजा बन जाता, मेरे पास बहुत सोना जवाहरात हीरे मोती होते, क्योंकि गहरे जल में हीरे मोती सोना जवाहरात मिलते हैं, तुम तो मुझे उथले में ही डाल करके चले आए, इसलिए हमको ये भैंस ही मिल पाई। जवाब दिया, क्या? बोले हाँ। सरदार कहने लगा अपने साथियों से, ऐसा करते हैं भाई, अब जरूर चलेंगे और हीरे जवाहरात सोना हम जरूर लाएंगे, उस गहरे जल में जाएंगे और उसमें जाकर के हीरे सोने जवाहरात लेकर के आएंगे और राजा की जिंदगी दीजिए। दोस्तों सरदार ने कहा, ठीक है तेरी बात सत्य है? जवाब दिया, बिल्कुल सत्य है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। जवाब दिया, आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी भैंसें हमारे पास में है, ये मैं कहां से ले आया इतनी जल्दी? दोस्तों सरदार को विश्वास हो गया था। तब सरदार ने कहा, ठीक है तू हमारे पैरों को बांध करके हमें गहरे जल में फेंक और मैं भी हीरे जवाहरात लेकर के आऊंगा। वही किया उस चतुरी चमार ने, बहुत जल्दी किया, सरदार के हाथ पैरों को बांध करके और नदी के किनारे जहां गहरा जल था वहां गहरे कुंड में जाकर के फेंक दिया। उसके बाद में जितने भी उसके साथी थे सबके पैरों को हाथों को बांध करके उस सबके लिए गहरे कुंड में फेंक दिया और धीरे धीरे वो सारे उसके साथी और सरदार उसी गहरे कुंड में जल में डूब करके मर गए। अब चतुरी चमार जो था बहुत खुश था, उसने विचार किया, हमारा कांटा निकल गया है, अब हमें इन डाकुओं का कोई डर नहीं है। दोस्तों खुशी खुशी में उन भैंसों को लेकर के अपने घर पे आता है और सारी बात अपनी पत्नी से कहता है और कहता है कि हमने हमेशा के लिए कांटा निकाल दिया, वह डाकुओं का सरदार और जितने भी उसके साथी थे सबको जल में डाल दिया, अब सब मारे गए, अब कोई दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगा, हम तुम आराम से रहेंगे। दोस्तों उसके बाद में वह चतुरी चमार अपनी पत्नी के साथ में वहीं गांव में रहने लगा और डाकुओं की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? ये कहानी हमारे तुम्हारे लिए सीख देती है, ये शिक्षा देकर के जाती है, क्योंकि बुद्धिमानी से चालाकी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, बड़े से बड़े दुश्मन को भी परास्त किया जा सकता है। यदि रणभूमि में लड़ने की बात भी आ जाए तो बड़े से बड़े दुश्मन पर रणभूमि में विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस तरीका से इस चतुरी चमार ने अपनी चालाकी से बुद्धिमानी से इतने डाकुओं पर विजय प्राप्त की जिनका खात्मा कर दिया और निर्भय की जिंदगी वहां जीने लगा। तो दोस्तों ये कहानी हमको यही सीख देती है कि बुद्धिमानी से और चालाकी से बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। दूसरी सीख कहानी ये देती है कि जो इंसान लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं, तो उनका हाल यही होता है जो उन डाकुओं का हुआ था। वे लोभ में बढ़ते ही चले गए, उन्होंने चतुरी चमार की कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी चालाकी को नहीं समझा और लोभ में ही फंसते चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया को भी छोड़ करके चले गए। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपके लिए कहानी?
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।